नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि तहसील दिवस में पुलिस, राजस्व, नगर निगम, विद्युत सहित अन्य विभाग के मामले आए हैं, जिसके निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ मामले जमीन की पैमाइश को लेकर आए थे, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, अब तहसील दिवस में हर सारे विभाग समन्वित होकर बैठते हैं। तब अभी इसमें जब से मैं बैठी हूँ तब अलग अलग विभाग के मामले सामने आ रहे हैं, बिजली विभाग के, राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग से संबंधित, नगर निगम, सारे विभाग से संबंधित मामले आ रहे हैं। जिस भी मामले का निस्तारण मौके पर संभव है, किसी किसी मामले में जो व्यक्ति हैं, जो आवेदक हैं, उनको पता नहीं होता कि वो उस मामले का निस्तारण किस स्तर से संभव है, कहाँ उन्हें फॉर्म जमा करना है, इस तरह से, तो वो भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, तो वो उन व्यक्तियों का, उन मामलों का भी निस्तारण हो जाता है मौके पर। और कुछ मामले हैं जिसमें जमीन पे जाना ही पड़ता है, पैमाइश वगैरह के मामले हैं, तो उनका निस्तारण उसमें ससमय बता दिया जाता है कि जल्द से जल्द उनका पैमाइश सहमति के आधार पे अगर संभव है तो कर दिया जाए। अब ये तो जनता जनार्दन जवाब दे सकती है। मेरा तो इसमें, हमारी कोशिश यही रहती है पूरी टीम की कि जितने से ज्यादा, जितनी जल्दी से जल्दी और जितना नियमानुसार जो भी निस्तारण संभव हो वो हम कर दें। और तहसील दिवस के अलावा भी डेली जनसुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है कि तहसील दिवस में हम मामले कम आ रहे हैं।